कोरोना महामारी में बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। कोरोना का खौफ ऐसा कि अपनों की लाशें छूने से भी डर रहे लोग। मन तो विचलित तब हो गया जब 10 मई को बिहार के बक्सर में गंगा नदी में तैरती दिखी दर्जनों लाशें। लाशें कहां से आई, इस बात का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि कल अधिकारियों का कहना था कि लाशें यूपी की हैं और पानी में बहकर यहां तक पहुंची हैं। एक अधिकारी ने तो यहां तक कहा था कि लाशों को पोस्टमार्टम करवाने के बाद सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जाएगा। पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ, पर उन्हें एक ही गड्ढे में कर दिया गया दफन। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दर्जनों लाशों को एक ही गड्ढे में दफनाया जा रहा है। जो लोग इन्हें दफन कर रहे हैं, उन्होंने ना तो पीपी किट पहना है और ना ही मास्क लगाया है। बक्सर जिला में जो है हम लोग को जो है आज जो है करीब 30-35 जो बॉडी की महादेवा घाट पे जो है वहाँ पे ऊपर आने की सूचना प्राप्त हुई है। उसके बाद हम लोगों ने जो है SDO के स्तर से जो है उसकी हम लोग छानबीन भी कराए हैं और SDO साहब जो है वो गंगा के जो अपस्ट्रीम है, जो ऊपर की साइड है, उधर भी जाकर उन्होंने देखा है और वहाँ पाया गया है कि जो है अपस्ट्रीम साइड से भी जो है वो बॉडी आ रही हैं। बक्सर का जो है बॉडी जो है वो बक्सर का नहीं है, वो प्रवाह होके आ रहा है। और जो भी प्रथम दृष्टया जो हमारी टीम है, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें यह है कि लाश जो है लगभग 2-3 दिनों का है। और आप अगर नॉर्मल देखेंगे, कोई बॉडी अगर जहाँ डुबाया जाता है और प्रवाह में जो है उसी जगह वो ऊपर नहीं आएगा, इसका बक्सर में हम लोगों को आ रहा है। और चूँकि वहाँ पर घुमाव भी है, तो जो अपस्ट्रीम से जो भी बॉडी आ रही है, चूँकि घुमाव होने के कारण जो है वो यहाँ पर अटक जा रही है। तो हम लोग जो है बाकी जो ज़िले हैं हमारे जो नेबरिंग स्टेट के, उनसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और अभी जो विधिवत जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो डेड बॉडी का जो सम्मान होना चाहिए, उसको हम लोग करेंगे। और जो पुलिस की जो कार्रवाई होगी, इंक्वेस्ट का है या PM करना हो या जो भी सैंपलिंग जो विधिवत होनी चाहिए, वो हम लोग करके बॉडी को जो है सम्मानपूर्वक डिस्पोज करेंगे।